दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नमक कैसे बनता है। आज से पहले आपने सुना होगा कि समुद्री झील के किनारे नमक बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जमीन के अंदर जो खारा पानी मौजूद है उसको कुएं या ट्यूबवेल के जरिए बाहर निकाला जाता है और उससे नमक बनाया जाता है। और यहाँ पर मजदूरों को 25 से 30 पैसा प्रति किलो के हिसाब से मजदूरी दी जाती है यदि वो पानी में से नमक इकट्ठा करता है। तो और जो सूखा हुआ नमक इकट्ठा किया हुआ है इसको ट्रक के माध्यम से ले जाया जाता है फैक्ट्री में, क्योंकि अभी ये नमक खाने के उपयोग में नहीं है, इसमें अभी कई सारी अशुद्धियां मिली हुई है। लेकिन जब ये नमक फैक्ट्री में पहुंचेगा तो सबसे पहले इसको वहां पर ग्राइंड किया जाएगा। ग्राइंड करने के बाद इसे धोया जाता है और धोने के बाद इसे सुखाया जाता है। तो सुखाने के लिए सबसे पहले इसे गर्म भट्टी के सामने से निकाला जाता है जिसमें गर्म हवा डाली जाती है। गर्म होने के बाद इसे दोबारा वापस ठंडा किया जाता है। फिर इसमें दो तरह के नमक तैयार होते हैं, एक पाउडर फॉर्म में बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक पाउडर, और एक वो नमक जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो जो पाउडर फॉर्म में है वो काम आता है नमकीन में, जिसे नमकीन बनाने वाली कंपनी खरीदती है, और जो उससे थोड़ा मोटा नमक होता है वो हम खाने में यूज करते हैं और वो फिर अलग पैक कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों कि आपको नमक बनाने का ये प्रोसेस पहले से पता था, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।